ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इनकी उस समय की कंडीशन की फोटो है जब इनको एडमिट कराया गया था। और ये इतना ज्यादा सेंसलेस हो रहे थे कि मतलब उठ उठ के भाग रहे थे, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तब इनको इस तरह से बेड पे बांध के रखा गया था और 5 मिनट के बाद ही बिल्कुल ये सेंसलेस हो गए थे कि मतलब पूरी बॉडी एकदम शिथिल हो चुकी थी, हाथ पे एकदम ठंडे, डॉक्टर जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। और ये वाली आप फोटोज देख सकते हो, ये 3 4 5 दिन के बाद की है, जब ये होश इनको आया था तो ये इस कंडीशन में उठ के बैठे थे। और आप देख सकते हो कि लग नहीं रहा है कि ये मतलब 4 5 दिन से सेंस में नहीं थे, डॉक्टर जवाब दे रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऐसा आपको एहसास नहीं हो रहा होगा कि ये वही शख्स है जो 4 5 दिन पहले इस कंडीशन में थे। तो बस यही भरोसा, यही विश्वास भगवान में मैंने दिखाया, भगवान ने मेरा साथ दिया और आज ही हमारे साथ बिल्कुल अच्छे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई आपके संग व्लॉग शेयर करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को शायद बहुत पहले से ही मालूम होगा कि इस समय जो हमारे मशहूर कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव जी, उनका हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है, जो कि आप जान सकते हो कि वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप लोगों को बहुत पहले से हो सकता है पता हो या कुछ लोगों को ना भी पता हो, लेकिन मुझे आज ही सुबह मालूम पड़ा, क्योंकि इधर आप समझ सकते हो कि मैं पेपर वगैरह नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि मेरे घर की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। और अभी हाल ही में मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से घर आए हैं तो उनका देख रेख करना होता है, तो इतना मैं पेपर वगैरह नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन आज वो ही पढ़ रहे थे पेपर और उन्होंने मुझे दिखाया, बताया कि देखो इस समय इनकी तबीयत कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो फिर मैंने वो थोड़ा सा पढ़ा और फिर मैंने और भी पेपर पुराने पढ़े, फिर मैंने मीडिया पे सर्च करके देखा तो मुझे पता चला कि उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। और फ्रेंड्स, जब उनके बारे में पढ़ा ना तो फिर 1 महीना पहले का पूरा वो सीन मेरे सामने आ गया जो 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड के साथ गुजरा था। आज सेम टू सेम वही कंडीशन राजू श्रीवास्तव जी के साथ गुजर रही है और उनको भी डॉक्टरों ने मतलब जवाब दे रखा है कि अब जो कुछ भी है भगवान के भरोसे है, भगवान के हाथों में है। और सेम कंडीशन यही मेरे हस्बैंड की भी थी। और वो मेरे हस्बैंड जो है तो वो 10 जुलाई को हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। और जो राजू श्रीवास्तव जी हैं वो 10 अगस्त को एडमिट हुए हैं। 1 महीने का पूरा पूरा फर्क है और सेम कंडीशन भी है। तो मेरे हस्बैंड को भी डॉक्टर ने जवाब दे रखा था कि वो हमेशा मतलब जब भी उनसे बात करने जाओ तो 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा बोल बोल के वो समय बढ़ाते जा रहे थे। और जब हमारे हस्बैंड को 3 दिन बीत गए तो हम लोग से बिल्कुल मतलब रहा नहीं गया, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा उदास हो चुके थे, बहुत ज्यादा रोना पिटना मचा हुआ था। क्योंकि मेरे घर का एक वही सदस्य है जो मतलब मेरे घर का पूरा मतलब देखभाल उन्हीं के कंधों पर है और हम लोग मतलब उनके उनसे हटके हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, एकदम अकेले हैं। आप जान सकते हो मेरे 2 बच्चे हैं छोटे और मैं अकेली, तो बस हम 4 लोग का छोटा सा परिवार है। तो हम लोग को उनकी बहुत बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम लोग की सुबह उनसे होती है, शाम उनसे होती है। इस वजह से तो वही मेरे आज एकदम जहन में आया कि सेम कंडीशन डॉक्टर वैसे ही जवाब दे रहे थे जैसे उनको दे रहे थे, वैसे ही आज राजू श्रीवास्तव जी को दे रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगी राजू श्रीवास्तव जी की फैमिली के लिए कि मैं समझ सकती हूँ कि इस समय आप लोग हिम्मत हार रहे होंगे, क्योंकि ये कंडीशन मैंने भी महसूस की है, मैं भी इस कंडीशन से गुजरी हूँ। लेकिन मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी है, पूरा पूरा भरोसा और अपना पूरा ध्येय इस समय भगवान पे रखना है। और भगवान चमत्कार करते हैं, करा है उन्होंने मेरी लाइफ में, चमत्कार किया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था मेरे हस्बैंड के लिए। उन्होंने यही कहा था, हम लोगों ने यही बोला उनसे कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना जो भी खर्च आता है आप करिए, आपको डॉक्टर जहां से बुलाने हैं आप अरेंज कीजिए, लेकिन इनको ठीक करिए। तो डॉक्टर ने हम लोग से यही कहा कि इस समय आपको पैसे या डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चमत्कार की जरूरत है। तो फिर जब डॉक्टर ने ये शब्द बोले तो फिर पैरों तले एकदम जमीन सरक गई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अंदर से तो मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन फिर मेरा विश्वास भगवान पे आज से नहीं शुरू से है। तो मैंने भगवान की जहां जहां मैं जा सकती थी मैं गई और जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे वहीं पे एक मंदिर था और भगवान की फोटो थी, मैंने वहीं बैठ के प्रार्थना करी, भगवान को मैंने चुनौती दी कि अगर आप हो तो साक्षात मुझे दर्शन दो, मुझे
बताओ कि आप हो और आप फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं कर सकते कि जैसा मैंने मांगा था वैसा ही हुआ, चमत्कार हुआ मेरे साथ। और मैं जब मंदिर में थी तो मैंने प्रार्थना कर रही थी कि भगवान अगर आप हो तो मेरा साथ दो, मैं मंदिर से बाहर निकलूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी मिले, क्योंकि अंदर से दिल इतना घबरा रहा था कि कहीं जो हम सुनना नहीं चाहते कहीं डॉक्टर वही शब्द ना सुना दे। तो बस मैंने यही प्रार्थना की जब हम मंदिर से बाहर निकले तो हमें खुशखबरी मिले। फ्रेंड्स यकीन मानिए कि भगवान में श्रद्धा बहुत जरूरी है, दिल से होनी चाहिए श्रद्धा। मैं जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, ऊपर से न्यूज़ आई, मतलब खबर आई कि इनको होश आ गया है और वो उठ के बैठे हैं। फ्रेंड्स आप समझ सकते हो, जो इंसान 3 4 दिन से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बिल्कुल बेहोशी की हालत में था, जितने भी डॉक्टर देख रहे थे सब जवाब दे रहे थे, वो इंसान उठ के बैठा था और बातचीत कर रहा था। मुझे बुलाया गया कि वो अपनी वाइफ को बुला रहा है, मैं गई तो मैंने ये सोचा, क्योंकि उनके माइंड पे असर हुआ था, तो मैं सोच गई कि कुछ भी हो मैं अपने आंसू रोकूंगी, मैं उनके सामने एक भी आंसू नहीं गिराऊंगी। मैंने नहीं गिराया, मैंने उनके सामने हंस के उनसे बात करी, उनको छू के देख के एहसास नहीं हो रहा था कि ये एकदम ठीक है, क्योंकि 15 20 मिनट पहले मैं उनको देख के आई थी कि उनकी हालत किस तरह से थी। तो बस वही चीज आज मुझे ध्यान आ गई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगी राजू श्रीवास्तव जी की फैमिली से कि आप हिम्मत मत हारो, अगर शैतान है तो भगवान भी है, और पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास से आप प्रार्थना करो, राजू श्रीवास्तव जी ठीक होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, वो आपके साथ होंगे और आगे की लाइफ आप लोग साथ मिलके ही बिताओगे, ये मेरा विश्वास है। मैं अभी अभी मंदिर से प्रार्थना करके आ रही हूँ, दिया जला के आ रही हूँ उनके नाम का, और मुझे मेरी प्रार्थना पे, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति पे अटूट भरोसा है, अटूट विश्वास है। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखिए, राजू श्रीवास्तव जी एकदम अच्छे होंगे, लौट के घर आएंगे, आप लोग के साथ हंसी खुशी से रहेंगे। तो बस इस वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी। नमस्कार।